हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज ऐसा हुआ है कि काम करते 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 मैं बीमार हो गई। कल से ही बीमार थी, लेकिन कल बहुत कम महसूस हो रहा, आज ज़्यादा हो रहा है। 7 बज चुके हैं, अभी तक उठी नहीं। देखिए क्या दिन से बहुत वीकनेस फील हो रहा है, बहुत इतना हरासमेंट हो गया है। मैंने ज़िंदगी में कभी सडनली इतना बोझ जो है नहीं उठाया था, और यहाँ के लोग ज़बरदस्ती मुझे ऐसा कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ कैसे करूँ। देखिए कैमरा भी पकड़ी हो तो हाथ हिल रहा है, कैमरा भी हिल रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कल से ही बहुत मतलब तबीयत तो ख़राब कल से ही लग रहा था, लेकिन कल थोड़ा कम महसूस हो रहा था, आज ज़्यादा हो रहा है। कल रात तो जैसे तैसे मैंने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद जब मैं खाने गई, देखी कि सारा खाना ख़त्म हो चुका है, सारा खाना। चलो उसका मुझे अफसोस नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप खाने जाओ तो खाना नहीं बचता है, कोई बात नहीं। मैंने पानी पिया और पानी पी के सो गई, क्योंकि खाना जब ख़त्म होता है और खाना बनाने वाली जब थक जाती है तो अपने लिए कभी कुछ नहीं बनाती। हम ऐसा सोचते हैं हमसे तो नहीं बनेगा, चलो मैं अपने लिए 2 रोटी बनाऊँ या 3 रोटी बनाऊँ, मुझे तो 1-2 रोटी से ही मतलब है, लेकिन वो भी मैं नहीं बनाऊँगी अपने लिए खाना ख़त्म होने के बाद। जी नहीं, कभी नहीं। मैं पानी वानी पी के सो जाती हूँ, और ना खाने के कारण रात भर असर किया, और क्योंकि एक तो मैं कम खाती हूँ खाना, ऊपर से कल खाई ही नहीं तो ऐसा हो गया और बढ़ गया। अभी तक सोई हूँ, बाहर हल्ला हो रहा है, मतलब मेरी सास उठने का इंतज़ार कर रही है मेरा कि अब उठेगी, जबकि उनको पता है, कुछ अनुभव हो गया है कि मेरा तबीयत ख़राब है, फिर भी वो मेरा इंतज़ार कर रही है कि उठेगी और खाना वाना बनाएगी। आज तो लग रहा है कि हम उठ ही नहीं पाएंगे, जब सोए हैं तो देखिए कब तक ऐसा चलता। अगर थोड़ा बहुत भी ठीक लगा तो उठ जाऊँगी, बनाऊँगी, क्योंकि ऐसे पड़े हुए रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। देखते हैं कब तक, जब तक ना हाथ धो के फ्रेश नहीं होंगे तब तक तो जब भी उठूँगी सीधे एकदम नहा धोवा के फ्रेश हो जाऊंगी, उसके बाद कुछ करूँगी। अभी तो गजब लग रहा है, बहुत वीकनेस लग रहा है। तो वो तो अच्छा है कि आज संडे है, रियांश का स्कूल नहीं है, और मंडे होता या स्कूल होता उसका तो और मरम हो जाता, इसलिए बढ़िया है कि संडे को ही बीमार पड़ी। कल से कल तक शायद कुछ ठीक हो जाऊँ, देखिए क्या होता है। हे भगवान कब मुझे स्वस्थ कीजिएगा, तो मुझे स्वस्थ कीजिएगा, कब मुझे इन सब कामों से छुटकारा दीजिएगा। हेलो, हाँ उठ जा बेटा। मम्मी मोबाइल मोबाइल ब्रश कर लो उठ के, कम से कम खुद आज, उसके बाद दादी से मांग के दूध पी लो, ठीक है ना। तो मोबाइल मोबाइल दो तो दो।